नमस्कार। बारा जिला के ऐतिहासिक नगरी सिमरौनगढ़ में रहल रेडियो बादल 89 मेगाहर्ट्ज तथा इंटरनेट ऑनलाइन के www.radiobadal.com हमरो पात्रो ऐसे ही गुणिता सरलाही में रहल रेडियो धड़कन एफएम 91.8 मेगाहर्ट्ज तथा इंटरनेट ऑनलाइन के धड़कन FM.com हमरो पात्रो नेपाली पात्रो मलंगवा सरलाही में रहल रेडियो वर्षा 91.1 मेगाहर्ट्ज से एक साथ प्रसारण हो रहल बादल खबर में स्वागत करता नी हम नूर आलम बादशाह। सप्तरी में 13 वर्षीय बालिका बलात्कार कैल आरोप में पकड़ाव पड़ल एक युवक के अदालत 18 वर्ष कैद सजाए होके के फैसला सुनैले बाटे। राजबिराज नगर पालिका 12 बिसहरिया के 21 वर्षीय कुलदीप कुमार खंग के जिला अदालत सप्तरी के न्यायाधीश डॉक्टर राजेंद्र कुमार आचार्य के इजलास से आज 18 वर्ष कैद सजाए होके के फैसला सुनैले बाटे। खंग के 7 लाख रुपया जरिमाना तिरे के आ पीड़ित के 1,50,000 रुपया क्षतिपूर्ति देवे के फैसला समेत अदालत कैले बाटे। 2079 अगहन 1 गते के रात खंग गांव के ही 13 वर्षीय बालिका के जबरदस्ती करने कैले रहे। बेटी बलात्कार में पड़ल कहत पीड़ित के पिता वही बेरिया जिला प्रहरी कार्यालय में युवक विरुद्ध उजुरी देले रहनी। उक्त युवक बालिका के पोहला फुसला के छीना मस्ता गाँव पालिका 6 लोखर में पहुँचा के बलात्कार करके फरार भइल रहे। बीतल अगहन 20 गते खंग पकड़ाऊ पड़ल रहे। सिराहा के चौहरवा स्थित मारुति सीमेंट उद्योग में कार्यरत एक मजदूर के मशीन मरम्मत करे के क्रम में दुर्घटना में पड़ के मृत्यु भइल बाटे। कारखाना के मशीन बिगड़ला बाद मरम्मत करेला चिम्बर में चढ़ल बेरिया बेल्ट से ला के भारत के मध्य प्रदेश सतना जिला के 25 वर्षीय मजदूर अनुराग तिवारी के आज मृत्यु भइल। जिला प्रहरी कार्यालय सिराहा जनैले बाटे। मशीन मरम्मत करे के क्रम में बेल्ट से दहिना पाखुरा में कटा के घायल भइल उनका के करजना स्थित फूल कुमारी मेमोरियल अस्पताल पहुँचैला बाद अस्पताल मृत घोषणा कैल प्रहरी जानकारी दिले बा। घटना के संबंध में थप अनुसंधान हो रहल जिला प्रहरी कार्यालय सिराहा जानकारी देले बा। तेज हथियार प्रहार से धादिंग के गलसी गांव पालिका 8 के 28 वर्षीय विनोद थापा मगर के जान गई बाटे। होटल में सामान्य विवाद के कारण चाकू प्रहार भैला पर घायल भैले मगर के काठमांडू में इलाज के क्रम में जान गई। जिला प्रहरी कार्यालय धादिंग के प्रहरी उपरीक्षक SP गौतम मिश्र जानकारी दिले बानी। आज 11 बजे उर के घटना बाटे। ग्राहक के रूप में होटल में आयल विनोद आ होटल संचालक बीच सामान्य कहा सुनी भले बाद घटना भइल बाटे। चाकू प्रहार करके घायल बनल मगर के इलाज के क्रम में जान गेल बाटे। वहाँ के कहानी उनका अनुसार प्रहरी घटना के छानबीन के खातिर होटल संचालक सरस्वती पंडित आ उनकर बेटा नीरज के पकड़ाऊ कैले बाटे। ब्याह खातिर भारत से आयल दूल्हा पुलिस के खोर में पुगल बाड़न। दुल्हन पक्ष के शिकायत बाद पिता सहित दुल्हा प्रहरी के खोर में पुगल बाड़न। बरितिया के ठीक से स्वागत सत्कार ना कैल कहत ब्याह मंडप से भागे के प्रयास कर रहल पिता सहित दुल्हा के लड़की पक्ष आवश्यक कार्रवाई के खातिर प्रहरी के बुझैले रहे। बैसाख 24 गते 12 के महागढ़ी माई नगर पालिका वार्ड नंबर 6 बबुआइन टोल में भारत से बरियात आयल रहे। उक्त दिन कालीचरण प्रसाद चौरसिया के बेटी के ब्याह की मिति तय भइल अनुसार लड़का पक्ष बरियात लेके आयल रहे। बरियात लेके आयला पर लड़की वाला निमन से स्वागत ना कैले कहत लड़का भागे के प्रयास कैले बाद लड़की पक्ष से समझावे बुझावे के प्रयास कैले रहे। लेकिन लड़का स्वागत निमन से ना भइल कहत ब्याह करे के ना मनला बाद उ लोग के पुलिस के जिम्मा लगावल गेल बाटे। भारत बिहार पूर्वी चंपारण ग्राम पंचायत कथवलिया सुगौली के दुल्हा बड़न शशिकांत चौरसिया उनकर पिता श्यामकांत भगत के लड़की वाला लाख समझेला पर भी बाप बेटा उल्टे उल्टे खराब खराब अश्लील शब्द बोलत मारपीट करके प्रयास कैले रहे। गिरफ्तार भइल दुल्हा आ उनकर बपसी ऊपर अभद्र व्यवहार संबंधी मुद्दा दर्ता कैल गेल पुलिस जानकारी दिले बा। जिला प्रशासन कार्यालय 12 कलैया से 10 दिन के म्याद थप करके अनुसंधान वाला काम हो रहा जिला प्रहरी कार्यालय 12 के सूचना अधिकारी प्रहरी न्याय उपरीक्षक पुरुषोत्तम प्रसाद पांडे बतैले बानी। भारत से अवैध रूप में नेपाल ले रहल आयुर्वेदिक दवाई सिराहा के प्रहरी नियंत्रण में लेल बाटे। आज से दोपहरिया लहान नगरपालिका 6 घर भइल वार्ड नंबर 1 रहे वाला रविंद्र कुमार साह भारत से भंसार चोरी करके लाखों मूल्य बराबर के दवाई ले के राखल। गोप्य सूचना के आधार में घर में गैला पर 63 लाख बराबर के आयुर्वेदिक दवाई मिलल आ उक्त आयुर्वेदिक दवाई बरामद करके भंसार कार्यालय में बुझाओल गेल। सिराहा के प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक रविंद्र राज पांडे जानकारी दिले बानी। सरलाही के हरिपुरवा में एक भारतीय युवक के लाश मिलल जिला प्रहरी कार्यालय सरलाही जानकारी दिले बा। प्रहरी के अनुसार आज हरिपुरवा वार्ड नंबर 1 पथरा के झाड़ी में मूड़ी आ देह अलग अवस्था में रहल लाश मिलल बाटे।
लाश भारत के सीतामढ़ी सोनबरसा नौ रहे वाला 28 वर्षीय शेखर सुमन के रहल जनावल गए बाटे। अभी प्रहरी टोली घटनास्थल में पहुंच के अनुसंधान कर रहा सरलाही प्रहरी न्याय उपरीक्षक DSP कैलाश राय बतल बानी। घटनास्थल में कोनो प्रकार के हाथ हथियार न मिलल लेकिन लाश के मुड़ी और शरीर अलग अलग अवस्था में रहल जनावल गए बाटे। बाजुरा जिला के बिछिया केंद्र बिंदु होके भूकंप गए बाटे। राष्ट्रीय भूकंप मापन तथा अनुसंधान केंद्र लैंचोर के अनुसार बाजुरा के बिछिया केंद्र बिंदु होके आज सवेरे 5:15 पर 4.3 रेक्टर स्केल के भूकंप गए बाटे। इससे पहले बाजुरा के ही बिछिया केंद्र बिंदु होके बैसाख 23 को 4.1 रेक्टर स्केल के भूकंप गए रहे। पिछला समय नेपाल के पूर्वी तथा पश्चिमी क्षेत्र केंद्र बिंदु होके भूकंप आ रहल बा। नेपाल के हिमालय तथा पहाड़ी क्षेत्र के भूकंप के जोखिम क्षेत्र के रूप में लिहल जा रहल बा। लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल के केंद्रीय अध्यक्ष महंत ठाकुर जनकपुर धाम के भानु चौक में मधेश आंदोलन के शहीद रमेश महतो के शालिक राखे के धारणा रखले बानी। जनकपुर विमानस्थल में संचारकर्मी संघ बातचीत करत तो वहाँ के रमेश महतो के शालिक राखे के बाद मधेश आंदोलन के चाहना आज जनता मांग कैल बतैनी। वहाँ के कहनी मधेश आंदोलन कैल युवा तथा मधेश के जनता अभी भी आंदोलन करके ही ओतहा रमेश महतो के शालिक राखे के चाहल बतैनी। ओमे लोसपा के सहयोग रही कहनी। मधेश प्रदेश में सरकार पुनर्गठन भले पर लोसपा नेपाल भी ओकर नीति तोड़ लेवे के कहत वहाँ के उ विषय में गठबंधन में छलफल चल रहा बतैनी। इंडियन प्रीमियर लीग IPL क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग दिल्ली कैपिटल के 27 रन से हरले बा। चेन्नई से जीत के खातिर दिहल 168 रन के लक्ष्य के पीछा कैल दिल्ली निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट गवावत 140 रन मात्र बनावे सकल। इससे पहले घरेलू मैदान चेन्नई में टॉस जीत के पहले बैटिंग कल चेन्नई निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट गवावत 167 रन बनेले रहे। जीत संगे 12 खेल में 15 अंक जोड़ के चेन्नई अंक तालिका के दूसरका स्थान में पुगल बाटे। दिल्ली 11 खेल में 8 अंक के साथ तालिका के सबसे पछाड़ी बाटे। ऐसा ही आज के खेल राजस्थान और कोलकाता के बीच 8:15 से होगी। बादल खबर में अब मौसम संबंधित जानकारी। रेडियो बादल 89 मेगाहर्ट्ज द्वारा मापन कैल गए अनुसार सिमरौनगढ़ लगातार आसपास के क्षेत्र के भी न्यूनतम तापक्रम 38 डिग्री सेल्सियस रहल बा। ऐसे आज सवेरे 34 डिग्री सेल्सियस रहल रहे तो दोपहरिया 40 डिग्री सेल्सियस रहल रहे तो आज रात के 22 डिग्री सेल्सियस तापक्रम रहे के अनुमान कैल गए बाटे। ऐसे ही आज सवेरे 5:20 में बेर उगल है तो सजिया 6:44 में बेर डूबल बा। 12 जिला के ऐतिहासिक नगरी सिमरौनगढ़ में रहल रेडियो बादल 89 मेगाहर्ट्ज तथा इंटरनेट ऑनलाइन के www.radiobadal.com हमरो पात्रो ऐसे ही गोड़ैता सरलाही में रहल रेडियो धड़कन FM 91.8 MHz हमरो पात्रो नेपाली पात्रो तथा इंटरनेट ऑनलाइन के www.dhadakanfm.com मलंगवा सरलाही में रहल रेडियो वर्षा 91.1 MHz से एक साथ प्रसारण हो रहा बादल खबर से प्राविधिक मित्र रुस्तम सहित हम नूर आलम बादशाह के विदा दी। नमस्कार।